एक बार की बात है, एक लड़के ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी मेरे जीवन की क्या वैल्यू है, क्या आप बता सकते हैं? पिताजी ने कहा, अगर तुम सचमुच अपने जीवन की वैल्यू को जानना चाहते हो तो यह पत्थर लो और इसे बाजार लेकर जाओ और इसकी कीमत का पता लगा कर आओ, और हाँ अगर कोई इसकी कीमत पूछे तो चुप रहकर सिर्फ अपनी दो उंगलियों को खड़ा कर देना। लड़का उन पत्थरों को लेकर बाजार के लिए निकल गया। बहुत समय के बाद एक बूढ़ी औरत का नजर उस पत्थर पर गया। उसने उस पत्थर की कीमत पूछी। लड़का चुप रहा और सिर्फ अपनी दो उंगलियों को खड़ा कर दिया। तब बूढ़ी औरत ने बोला, ओ 200 रुपए, ठीक है बेटा 200 रुपए ले लो, यह पत्थर मुझे दे दो। लड़का वापस पिताजी के पास गया और उन्हें बताया कि पिताजी मुझे इस पत्थर के 200 रुपए मिल रहे थे, ठीक है अब इस पत्थर को म्यूजियम लेकर जाओ और वहां पर इसकी कीमत का पता लगा कर आओ। लड़का उस पत्थर को लेकर म्यूजियम चला गया। वहां पर वहां के मालिक की नजर उस पत्थर पर पड़ी। उन्होंने उस लड़के से उस पत्थर की कीमत पूछा। लड़का चुप रहा और उसने अपनी दो उंगलियों को खड़ा कर दिया। फिर म्यूजियम के मालिक ने कहा, ओ 20,000 रुपए, ठीक है आप मेरे से 20,000 ले लो और यह पत्थर मुझे दे दो। लड़का उस पत्थरों की कीमतों को जानकर बहुत हैरान हो रहा था। फिर वह वापस अपने पिताजी के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। फिर पिताजी मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है इस बार इस पत्थर को तुम पत्थरों के दुकान पर लेकर जाओ और वहां से इसकी कीमत का पता लगा कर आओ। वह उन पत्थरों को लेकर पत्थरों के बाजार में गया। वहां काउंटर के पीछे एक बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए थे। वह उस पत्थर को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बेटे इस पत्थर की तलाश कितने सालों से मुझे है, तुम्हें यह पत्थर कहाँ मिला, तुम यह पत्थर मुझे कितने में दोगे? लड़के ने फिर से अपनी दो उंगलियों को खड़ा कर दिया। फिर बूढ़े बुजुर्ग ने बोला, ओ 2,00,000 रुपए, ठीक है बेटा आप 2,00,000 रुपए ले लो और मुझे यह पत्थर दे दो। फिर लड़का खुशी खुशी वापस अपने पिताजी के पास जाता है और उन्हें बताता है, पिताजी मुझे इस पत्थर के वहाँ 2,00,000 रुपए मिल रहे थे। पिताजी मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, अब समझे अपने जीवन का वैल्यू, हर इंसान का अपना एक वैल्यू होता है, यह उस पर डिपेंड करता है कि वह अपने आप को कहाँ रखता है। उस पत्थर की सबसे ज़्यादा वैल्यू उस पत्थर की दुकान पर थी। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिसकी नज़र में आपकी बहुत ज़्यादा कीमत है, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ आपका यूज़ करते हैं। अब यह आपको समझना है कि आपको 200 का पत्थर बनना है या फिर 2,00,000 का। तो फ्रेंड्स, आपने इस कहानी से क्या सीखा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हाँ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।